Dear students, good morning all of you. Today I will teach you about the maths for class 3rd. Today's your topic is addition. Dear students, as you know that addition means putting together. Addition means putting together the numbers to be added. The numbers to be added are called addends. Are called addends. And the number we get after adding is called the sum of these numbers. So, dear students, addition means होता है सारी संख्याओं को एक साथ रख देना. रखने के बाद उनका कैलकुलेशन कर लेना. जो नंबर हम जोड़ते हैं उनको एडेंट्स कहते हैं. और ये सारे एडेंट्स मिलकर के इसको पूरी प्रॉब्लम का नाम सम के रूप में जानते हैं. सपोज करते हैं डिजिट है 1, 10, 100, 762 और 135. दीज आर कॉल्ड एडेंट्स. ये सारे नंबर 2 + 5 तो आप कर सकते हैं 7, 6 + 3 9, 7 + 1 8. सो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन विदाउट कैरिंग हुआ तो हम एडिशन मीन्स जोड़ना होता है. विदाउट मीन्स बिना कैरिंग मीन्स हासिल के, बिना हासिल के जोड़ना. एग्जाम्पल है एट 762 एंड 135. तो जो जिस प्लेस पे है, सपोज करो डिजिट वंस प्लेस पे है तो वंस वाली डिजिट वंस प्लेस पे रखना है. टेंस वाली डिजिट है तो टेंस वाली डिजिट टेंस प्लेस में रखना है. हंड्रेड वाली डिजिट है तो हंड्रेड वाली डिजिट हंड्रेड प्लेस पे रखना है. थाउजेंड वाली डिजिट है तो थाउजेंड प्लेस पर ही रखना है. सपोज करो हेयर इज गिवन डेट 762 + 135. तो आप गौर से देखिएगा, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिंग वंस. क्या करते हैं, एडिंग वंस. ये देखिए, पहले हमने एडिंग वंस को जोड़ा. जब एडिंग वंस को जोड़ा तो 2 + 5 ये देखिए 7 हो गया. फिर एडिंग टेंस, ये देखिए एडिंग टेंस 6 + 3 9 हो गया. इसी तरह एडिंग हंड्रेड देख लीजिए तो 7 + 1 = 8. तो टोटल कितना हो गया, 700 कितना हो गया, ये 897 ऐसे पढ़ेंगे. चलिए एक बार फिर देख लेते हैं. वंस टेंस हंड्रेड तो पहले आप क्या करेंगे, एडिंग वंस करेंगे. एडिंग वंस में क्या हो जाएगा, 5 + 1 ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 डिजिट है क्या. चलिए अगले उसमें देखते हैं. चलिए इसमें 3 3 डिजिट का है तो पहले एडिंग वंस करेंगे तो क्या हो जाएगा एडिंग वंस में, 5 + 1 + 3 ये देखिए 5 + 1 + 3 तो कितना, 5 1 6 6 + 3 9 तो ये देखिए 9 रख दिया. एडिंग टेंस में आ जाइए, एडिंग टेंस में 2 + 4 + 2 तो 2 + 4 = 6 और 6 + 2 = 8 ये आ गया. एडिंग हंड्रेड में तो एडिंग हंड्रेड में 3 + 1 + 4 क्या हो गया, 3 + 1 = 4 4 + 4 = 8 ये आ गया. टोटल आ गया 889. ओके डियर, आप थाउजेंड में जोड़ना है. ये देखिए एट 4532 4532 + 2351 इसमें भी आप एडिंग वंस करेंगे. एडिंग वंस में 2 + 1 + 3 ये देखिए 2 + 1 + 3 सॉरी टू ही प्लेस में 2 + 1 = 3 3 + 4 = 7 5 + 3 = 8 4 + 2 = 6
एडिंग वंस में करेंगे 2+1=3, एडिंग टेंस में 3+4=7, एडिंग 100 में 5+3=8, एडिंग 1000 में 4+2=6। इस तरह से ये हो जाएगा 6873। लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4532+2341=6873। यू कैन सी, गो अहेड। एट 1000, 2316, 1252 एंड 4221। इसे प्लेस में डिवाइड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड में डिवाइड कर लेंगे, 2316, 1252, 4221। एडिंग वंस, एडिंग वंस में 6+2+1, तो 6+2 कितना हो जाएगा 8, 8+1=9। एडिंग टेंस में आ जाइए, एडिंग टेंस में 1+5=6, 6+2=8, ये आ जाएगा। एडिंग 100 में 3+2=5, 5+2=7। एडिंग 1000 में 2+1=3, 3+4=7। इन दिस वे यू कैन से 2316+1252+4221=7789। आप देखिए, एक चीज़ का आप हमेशा प्रयास करेंगे कि जिस प्लेस पे जो डिजिट हो उसी प्लेस पे वो डिजिट रखनी है, ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। ओके डियर, ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, ऐड मीन्स जोड़िए, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, नंबर्स मीन्स इन नंबर्स को, जो नंबर दिए गए हैं इनको आपको जोड़ना है। एडिंग वंस 3+6=9, एडिंग टेंस 1+2=3, एडिंग 100 2+3=5, एडिंग वंस 4+1=5, एडिंग टेंस 1+2=3, एडिंग 100 3+5=8। फिर एडिंग वंस 9+0=9, 1+8=9, 7+1=8। इसी प्रकार से एडिंग वंस 3+6=9, एडिंग टेंस 2+1=3, एडिंग 100 6+2=8। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप ई नंबर में आ जाइए, ई नंबर में आप देख सकते हैं वन प्लस थ्री कट टू, एडिंग वंस में 4, 6+0=2, एडिंग टेंस में 6, 6+2 में 8, एडिंग 100 में 2+1, एडिंग वंस में 3,
एडिंग टेंस में 1+8 इक्वल टू 9, एडिंग 100 7+2 इक्वल टू 9, तो डियर स्टूडेंट्स वेर एवर यू फील्स एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स. अभी कॉलम 2 के थे, अब कॉलम 3 में आएंगे. देख सकते हैं एडिंग 1 6+1+2 6+1 7 7+2 9 1+7 8 8+1 = 9 2+3 5 5+1 = 6 इसी तरह 5+3 = 8 8+1 = 9 4+1 = 5 5+0 = 5 3+2 = 5 5+3 = 8 5+1 = 6 6+2 = 8 2+3 = 5 5+4 = 9 6+1 = 7 7+2 = 9 नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. निम्नलिखित को ऐड करिए. एडिंग 1 2+4 = 6 6+1 = 7 एडिंग 10s एडिंग 100 1+2 = 3 एडिंग 1000 2+3 = 5 वंस मोर एडिंग 1s 2+1 = 3 एडिंग 10s 1+7 = 8 एडिंग 100 4+3 = 7 एडिंग 1000 5+2 = 7 इन दिस वे यू विल डू. इन नेक्स्ट पेज यू कैन सी ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. 1s, 10s, 100, 1000 यू विल बिगिन फ्रॉम 1s. एडिंग 1s 1+8 = 9 9+0 = 9 You can see here, add the following numbers. Now, we will go ahead. अब इसके आगे हम जाएंगे. Addition carrying over. अभी तक क्या पढ़ा हमने? Without carrying के, बिना हासिल के हमने संख्याएं पढ़ी. अब मैं कैरी वाले पढ़ेंगे. सपोज करो हमारे प्लेस में है 1s, 10s, 100, 1000 ठीक है. तो आप जानते हैं एडिंग 1s में आ जाइए. 6+6 कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 6+6 12 हो जाएगा. तो आप जानते हैं ये 1s प्लेस में है, ये 10s प्लेस में है. देख सकते हैं इसमें एडिंग 1s 6s+6s = 12s इट का मीन्स 10s+2s इक्वल टू 110+2s. तो हम करेंगे क्या? राइट टू 1s. तो क्या लिखेंगे? राइट टू 1s
and in one's column carry over one, 10 to 10's column. तो आप देखते हैं टू वंस हम रख देंगे और कैरी ले लेंगे वन टेंथ को. तो यहाँ पर वन टेंथ ये कैरी आ गया. इसमें कैरी रख दीजिए वन. थ्री प्लस नाइन एडिंग टेंथ में देख लीजिए तो थ्री वंस प्लस नाइन वंस इक्वल टू ट्वेल्व. इसमें भी वही चीज़ होगी, वन टेंथ होगा टू वंस होंगे. तो वन टेंथ और एक कैरी है तो थ्री प्लस नाइन इक्वल टू ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन. थर्टीन आया. थर्टीन में थ्री वंस हैं वन टेंथ है तो हम थ्री रख देंगे वन कैरी आ जाएगा. फिर एडिंग हंड्रेड कर लेंगे तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री कैरी वन फोर. फोर आ जाएगा यहाँ. एडिंग थाउजेंड में कोई कैरी नहीं बचा तो फोर प्लस फाइव नाइन. इस प्रकार से हम एडिंग थाउजेंड कर देंगे. इसका रिजल्ट आएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स प्लस फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स इक्वल टू नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी टू. इन द सेम वे यू विल डू द एक्सरसाइज टू पॉइंट टू. देख लीजिए टू पॉइंट टू में. अब हम आते हैं एडिंग वंस. फोर प्लस सिक्स इक्वल टू कितना होता है फोर प्लस सिक्स इक्वल टू टेंथ होगा. देख लीजिए तो ये वंस प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है. तो हमने जीरो रख दिया और कैरी वन बचा तो इस टेंथ प्लेस में कैरी वन आ गया. थ्री प्लस नाइन कितना हो गया ट्वेल्व और कैरी वन हो जाएगा थर्टीन. थर्टीन में हम थ्री वंस भी रख देंगे और वन कैरी आ जाएगा. तो टू प्लस टू इक्वल टू फोर हो गया कैरी वन फाइव हो गया. सेवन प्लस वन इक्वल टू एट एडिंग थाउजेंड. टोटल आंसर होगा एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी. इन द सेम वे यू विल डू अगेन वंस टेंस हंड्रेड. तो पहले एडिंग वंस फिर एडिंग टेंस एडिंग थाउजेंड एडिंग हंड्रेड एडिंग थाउजेंड. इस प्रकार से आपको यू शुड डू द मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट योर नोटबुक व्हेन एवर यू विल कंफर्म. जब आप कंफर्म हो जाएं कि आपको ऐड आने लगे देन यू विल डू द एक्सरसाइज इन योर बुक. वंस मोर एडिंग वंस फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन. थर्टीन में थ्री वंस आ जाएंगे कैरी में वन आ जाएगा. एट प्लस सिक्स इक्वल टू फोर्टीन कैरी वन फिफ्टीन. फिफ्टीन में फाइव आ जाएगा कैरी वन आ जाएगा. सेवन प्लस टू एट सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन टेन. टेन में जीरो आ जाएगा कैरी वन आ जाएगा. थ्री प्लस वन फोर कैरी वन फाइव. इस तरह से फाइव थाउजेंड फिफ्टी थ्री हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स यू विल डू अगेन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. एडिंग वंस फोर प्लस सिक्स इक्वल टू टेन जीरो कैरी वन. सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस वन ट्वेल्व कैरी वन. फाइव प्लस एट थर्टीन प्लस वन फोर्टीन कैरी वन. फोर प्लस थ्री सेवन वन एट 8420. So dear students, in this way you will do full exercise. Wherever you feel any kinds of problem in this chapter, you can ask with me. Okay, dear. So dear students. Wherever you feel any types of problem in this chapter, you can do your problem. Wherever you feel any kinds of problem, you can contact me in my personal number. I will suggest you more and more times. Wherever you feel any kinds of problem, I will surely
आई विल हेल्प यू। आपको जहाँ का भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको, ये क्लास थर्ड के लिए है, चैप्टर टू है एडिंग या एडिशन, तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डियर, बाय एंड सी यू।